बुरहानपुर जिले के किसान फसल बीमा और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ में ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसमें निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी भी शामिल हुए। किसानों का मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली के रूप में ये इस रैली को निकाला गया है। किसानों की अघोषित बिजली कटौती के चलते फसलें खराब हो रही है, किसानों की फसलों को का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंप कर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो आने वाली सरकार जो हमें चल रही है, जो शिवराज सिंह जी, इनको किसान पे कोई ध्यान नहीं है। किसान को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, किसान को बीज अच्छे नहीं मिलते, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, किसान तकलीफ में रहता है हर वक्त, 24 घंटे तकलीफ में रहता है। 12 महीने जब तक आप किसान पे ध्यान नहीं दोगे, जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय शिव भैया ने, ठाकुर सिंह जी ने बोला है कि किसान हमारे, हम किसान, किसान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे, हर वक्त लड़ेंगे, 24 घंटे लड़ेंगे। किसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए, शिव भैया का कहना था, मैन भैया का कहना था, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। किसान संगठन द्वारा जिस प्रकार से बुरहानपुर से जिले के किसानों को ठगा जा रहा है, सिर्फ झूठे आश्वासन और मुआवजा, प्राकृतिक आपदा का मुआवजा मिला, और साथ ही जो फसल बीमा, प्रधानमंत्री बीमा, मौसमी बीमा की बात होती है, चिट्ठियाँ लिखने का काम करने के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया। और किसान को, हमको कोई सरकार से भीख नहीं चाहिए, हम हमारा अधिकार मांग रहे कि हमारा बीमा करें और हम हमारा प्राकृतिक बीमा, जो हमारा बीमा होगा तो बीमे का आधार सवाल उपलब्ध करता है। और इसके बाद में सरकार ने